वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे इज द टॉपिक इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशंस। इट इज अ टॉपिक ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशंस का मतलब वर्ड का मतलब ये जा रहा है कि सेल के अंदर कुछ एक्युमुलेट हो जाए, कुछ जमा हो रहा है, दैट इज द इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशंस। और कंटिन्यू सेल के अंदर कुछ एक्युमुलेट होता रहता है वो डायरेक्टली सेल की इंजरी की तरफ लेके जाता है, इसलिए इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्युमुलेट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस में भी ये एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। एबनॉर्मल अमाउंट में एक्युमुलेट कुछ अमाउंट जो सब्सटेंस हैं, वेरियस टाइप के सब्सटेंस जो एक्युमुलेट हो जाते हैं सेल के अंदर, वो एंडोजीनियस भी हो सकते हैं, एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं। एंडोजीनियस मतलब कि क्या है, सेल के अंदर ही मर रहे हों, वो सेल के अंदर स्टोर होकर डेड इज द एंडोजीनियस। सेल के बाहर थे या बॉडी से बाहर से हम ले रहे हैं, वो आदमी सेल के अंदर स्टोर हो रहे हैं, वो क्या हो गया, एक्सोजीनियस। ए नॉर्मल और एबनॉर्मल एंडोजीनियस सब्सटेंस एक्युमुलेट बिकॉज इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज। अगर हम बात करें कि नॉर्मल एबनॉर्मल एंडोजीनियस सब्सटेंस जो सेल के अंदर खुद ही बन रहा है, वो सेल के अंदर एक्युमुलेट हो रहा है, क्यों एक्युमुलेट हो जाता है, क्योंकि उस सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म जो है वो सप्रेस हो गया है, बंद हो गया है, जो सप्रेस मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है और कंटिन्यू बनता जा रहा है, जिसकी वजह से सेल में क्या है, वो एक्युमुलेट होता जाता है। एन एबनॉर्मल एक्सोजीनियस सब्सटेंस इज डिपॉजिट एक्युमुलेट बिकॉज द सेल हैज नाइदर द एंजाइमेटिक मशीनरी टू डिग्रेड द सब्सटेंस नॉट द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट इट टू अदर साइट्स। अब बात करें तो एक्सोजीनियस सब्सटेंस की, एक्सोजीनियस सब्सटेंस जो है एबनॉर्मल अमाउंट में सेल में एक्युमुलेट होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो जो एक्सोजीनियस सब्सटेंस है या तो सेल के अंदर उस तरह के एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जो कि उस एक्सोजीनियस सब्सटेंस को डिग्रेड कर पाए, तोड़ पाए बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, या फिर क्या है कि जो एक्सोजीनियस सब्सटेंस उस सेल के अंदर आया है वो उस सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ना होने पाने के कारण, एक सेल से दूसरे सेल की साइड में ट्रांसपोर्ट ना होने पाने के कारण, दूसरा एंजाइमेटिक मशीनरी से वो डिग्रेड ना होने के कारण, दो कारण की वजह से एक्सोजीनियस सब्सटेंस भी उस सेल के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक्सोजीनियस एंडोजीनियस, दोनों सेल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, एक्युमुलेशन हो जाता है। एबनॉर्मल एंडोजीनियस सब्सटेंस की बात करें तो वो एंडोजीनियस सब्सटेंस एक्युमुलेट इसलिए होता है क्योंकि मेटाबोलाइज रिएक्शन जो होती है वो आपकी नहीं हो पाती, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। और एक्सोजीनियस सब्सटेंस डिपॉजिट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी कुछ एंजाइम अवेलेबल नहीं है जो उसका ब्रेक डाउन कर पाए, और ना ही वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी क्या हो गई है, बंद हो गई है, जिससे वो एक सेल दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर पाए। ये तो बात होगी एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो एंडोजीनियस हो या एक्सोजीनियस हो। नाउ कम टू द आर द फॉलोइंग मेन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस एक्युमुलेशन। जो मेन जो एक्युमुलेशन होता है सेल के अंदर वो मेनली चार टाइप का है, जैसे इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स, सेल के अंदर लिपिड का जमाव होना, इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का जमाव होना, इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का जमा होना, इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम, जिसे हम कैल्सिफिकेशन भी बोलते हैं, कैल्शियम का जमा होना। तो ये चारों चीज़ को वन बाई हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, नंबर वन टॉपिक इज द इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ द लिपिड। इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स, इंट्रासेलुलर अल्ट्रेशन एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स मीन्स एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फैट विद इन द पैरेन्केमल सेल्स। ये हम पहले ही बता चुके हैं, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू जो पैरेन्केमल सेल्स होती हैं, उन्हीं में क्या होता है, लिपिड स्टोर होता है। अगर अल्ट्रेशन हो रही है, एक्युमुलेशन लिपिड हो रही है, तो वो मेनली एबनॉर्मल एक्युमुलेशन कहाँ होगी, उस लिपिड्स की फैट के फॉर्म में होगी, कहाँ होगी, पैरेन्केमल सेल्स में होगी। द फैटी चेंज अगर मोस्टली इन द हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट लिवर की सेल्स में मेनली चेंजिंग होते हैं, या द लिवर, क्यों द लिवर प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल, मेन रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, बिकॉज इट लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू द लिपर प्रोटीन विच इज मोर रीजली यूटिलाइज बाई द अदर सेल्स, ठीक है। तो क्या है,
तो क्या मोस्टली जो फैटी चेंज हो रहे हैं यानी कि फैट एक्यूमुलेट हो रहा है वो हिपेटोसाइट्स में ज़्यादातर होता है, क्योंकि लीवर का मेन रोल क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, फैट फैट का मेटाबलाइज करना, क्योंकि जो लीवर लार्जली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो फैटी एसिड जितने भी होते हैं उनको किसमें, लिपो प्रोटीन चेंज कर देता है लीवर, और लिपो प्रोटीन में चेंज होने के बाद लिपो प्रोटीन जो होती है वो आसानी से अदर सेल, जो जितनी भी अदर सेल होती हैं वो इसे यूटिलाइज कर लेती हैं, उसे यूज़ कर लेती हैं, या उसका आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अगर ये लिपो प्रोटीन में फैटी एसिड चेंज नहीं हो पा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो लिपिड है या फैट है वो हिपेटोसाइट सेल्स में, लीवर सेल में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है द लिपिड मेटाबोलिज्म इज अकर इन द हार्ट, स्केलेटन मसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स। लिपिड मेटाबोलिज्म इसलिए मोस्टली हार्ट में, हार्ट की जो मसल्स हैं, स्केलेटन मसल्स हैं, किडनी हैं और कुछ ऑर्गन और भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें मोस्टली होता है। नॉर्मली लिपिड ट्रांसपोर्ट टू द लिवर फ्रॉम आइदर एडिपोज टिश्यू और फ्रॉम डाइट्री सोर्स। बेसिकली हम पहले लिवर की बात करें तो लिवर की ही मिसली हम बात करेंगे, तो लिवर ही मोस्ट ऑर्गन है जो लिपिड को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। लिपिड ट्रांसपोर्ट होगा लिवर में या तो वो एडिपोज टिश्यू होगा, जो एडिपोज टिश्यू में क्या, और लिपिड्स जो है फैट है वो स्टोर होता है, तो वो स्टोर फैट है वो तो या तो वो पहुँचेगा लिवर में, या फिर जो हमने डाइट्री सोर्स में जो फैट खाया है वो लिवर में पहुँचेगा। अब होता क्या उस लिवर का, इन द लिवर दे आर यूज फॉर सेवरल प्रोसेस। इस लिवर के अंदर जो लिपिड या फैट पहुँचा है थ्रू द एडिपोज टिश्यू, थ्रू द डाइट्री सोर्स, उसमें क्या होगा, उससे द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, से ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है, द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल का फॉर्मेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन इनटू द फॉस्फोलिपिड्स और यूटिलाइज एज ए फ्यूल बाय माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका यूज़ फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन में हो जाता है जो कि ऐसे फ्यूल यूटिलाइज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम बात करें आगे तो वट द एबनॉर्मल कंडीशन द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स अकर ड्यू टू। अब ऊपर वाली जो रिएक्शन हुई वो नॉर्मली चल रही थी, लेकिन अगर वो रुक जाए तो उस कंडीशन क्या होगा, वट इन एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से क्या होगा, फैट इकट्ठा हो जाता है या फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, वही हम बात करेंगे आगे। वट इन द एबनॉर्मल कंडीशन द एक्यूमुलेट फैट अकर ड्यू टू। एबनॉर्मल कंडीशन में फैट एक्यूमुलेट क्यों होता है, पहला कारण एक्सेसिव एंट्री ऑफ लिपिड इनटू द लिवर, ज़्यादा अमाउंट में लिपिड्स की एंट्री लिवर में हो रही है। जब लिपिड्स या फैट्स की एंट्री लिवर में ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, इसकी वजह से क्या होगा, दिस अकर इन द सिचुएशन वी आर डाइट्री इनटेक ऑफ द फैट और मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड फ्रॉम फैट स्टोरेज एक्सेसिव। ये तभी हो सकता है, एक्सेसिव लिपिड्स की या फैट की एंट्री लिवर में तभी हो सकती है, या तो हम डाइट में ज़्यादा अमाउंट में फैट या लिपिड्स ले रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो स्टोर हमारा, जो हाइट स्टोर जो हमारा फैट है वो ज़्यादा मेटाबलाइज हो रहा है, और जो वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में स्टोर हो चुका है और वो स्टोर हुआ फैट वो लिवर में कंटिन्यू पहुँचता जा रहा है। ठीक है, एंड मेटाबलाइज ऑफ लिपिड फ्रॉम द फैट सोर्स इज एक्सेसिव। जो फैट जो कंटिन्यू लिपिड पहुँचता जा रहा है लिपिड में, लिवर में, और उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इन्हांस द फैटी एसिड सिंथेसिस बाय द हेपेटोसाइट्स। क्या हुआ कि फैटी एसिड सिंथेसिस को हेपेटोसाइट सेल्स बढ़ा दें, तो उस कंडीशन में लिपिड की इंट्रीज लिवर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फैटी एसिड ज़्यादा बनेंगे और फैटी एसिड ज़्यादा बनेंगे तो वो सब लिवर में ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज एस्टिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड टू ट्राइग्लिसराइड, और साथ में क्या होगा कि फैटी एसिड जो बन रहे हैं उनका एस्टिफिकेशन और ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, एपिप्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है। अब ट्राइग्लिसराइड क्या होती है, कि स्टोरेज फॉर्म होती है वो कंटिन्यू क्या होती है लीवर में, ज़्यादा टाइम तो स्टोर रहती है। डिक्रीज एपिप्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है, द प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड प्रोटीन, द फॉर्म इन विच ट्राइग्लिसराइड आर सेक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, विदाउट इट ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेट एंड फैटी चेंज डेवलप्स। अब जब प्रोटीन एपिप्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो दिस ये प्रोटीन करती है नेसेसरी होती है फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन बनाने में, और द फॉर्म इन विच लार्ज ऑफ लिपोप्रोटीन जो बनेगी, इस फॉर्म में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड आसानी सिक्रेटेड हो जाता है, लीवर से बाहर चला जाता है। अब जब ये लिपोप्रोटीन ही बनेगी तो क्या ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेट होगा लीवर के अंदर और फैटी चेंज हो जाते हैं डेवलप्स।
और फिर लास्ट में क्या है, इम्पेयर्ड लिपोप्रोटीन एस्क्रेशंस, और लिपोप्रोटीन का एस्क्रेशंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है कि फैटी फैट होता है ज़्यादातर से लेट एक्यूमलेट हो जाता है लिवर सेल्स में। दोबारा बता दूँ मैं आपको, रिवाइज करते हैं। पहला है कि क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक्सेसिव इंट्री हो रही है लिपिड्स की लिवर में। क्यों हो रही है, या तो डाइट में आप ज़्यादा ले रहे हैं, या जो लिपिड स्टोर है, फैट स्टोर है, वो ज़्यादातर से मेटाबलाइज हो रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण, फैटी एसिड की सिंथेसिस लीवर हेपेटोसाइट्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, उस कारण भी क्या होता है, डायरेक्टली एक्यूमुलेशन बढ़ता है। अब फैटी एसिड ज़्यादा बनेंगे तो फैटी एसिड का इनका एस्ट्रीफिकेशन भी ज़्यादा होगा। फैटी एसिड का एस्ट्रीफिकेशन होगा तो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होंगे, और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होंगे तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, ऐसे स्टोरेज कंडीशन होती है लीवर में ज़्यादा टाइम तक स्टोर होने के लिए। लेकिन ट्राइग्लिसराइड लीवर से बाहर निकले उसके लिए ज़रूरी है कि एपोप्रोटीन का सिंथेसिस हो, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, एपोप्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है। जब एपोप्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है तो एपोप्रोटीन की नहीं होगा तो ट्राइग्लिसराइड लिपोप्रोटीन में चेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लीवर से बाहर नहीं जा पाएगा। और जब ट्राइग्लिसराइड लीवर से बाहर नहीं जा पाएगा तो ट्राइग्लिसराइड उस लीवर में एक्यूमुलेट हो जाता है और फैटी चेन डेवलप हो जाते हैं, और साथ में लिपोप्रोटीन जो होती है वो बॉडी से वो एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, लिपोप्रोटीन फॉर्मिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, दो कंडीशन होती हैं अगर हम लिपिड की बात करें। हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया मतलब क्या है, नीमिया मतलब क्या है, ब्लड ब्लड के अंदर लिपोप्रोटीन का ज़्यादा बढ़ जाना। हाइपरपिरोनीमिया इज द कंडीशन एबनॉर्मल एलिवेट द लेवल ऑफ लिपिड और लिपोप्रोटीन इन द ब्लड। जब ब्लड के अंदर लिपिड्स या लिपोप्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाता है, लिपोप्रोटीन का हायर अमाउंट या लिपिड का हायर अमाउंट, उसे बोलते हैं क्या, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। लिपिड आर फैट सॉल्वेबल मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपोर्ट बाई द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या हैं, फैट सॉल्वेबल हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब हाइपर लिपोप्रोटीनिया में क्या होगा, इस डिवाइड हाइपर लिपोप्रोटीनिया मतलब ब्लड के अंदर लिपिड या प्रोटीन का ज़्यादा बन जाता है, उसको हम दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपर लिपोप्रोटीनिमिया और दूसरा सेकेंडरी हाइपर लिपोप्रोटीनिमिया। प्राइमरी हाइपर लिपोप्रोटीनिमिया क्यों होता है, इज ड्यू टू द जेनेटिकल कॉज, कुछ जेनेटिकल डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से प्रोटीन या लिपिड होता है मेटाबोलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, या एंजाइम्स प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहे हैं उस कंडीशन की वजह से। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, सेकेंडरी हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया ड्यू टू द सम एक्वायर कंडीशंस, कुछ कंडीशन कुछ डिसीज हो गई है जिसकी वजह से लिपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन होती है वो आपकी डिग्रेड नहीं हो पा रही है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है ऑल ओवर बॉडी में, उस कंडीशन की वजह से होता है। तो जेनेटिकल कॉज से हो तो प्राइमरी हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया कहते हैं, और अगर आपको कोई डिसीज कंडीशन की वजह से डायबिटिक की वजह से हो रही तो क्या है, सेकेंडरी हाइपर लिपोप्रोटीनिया बोलेंगे, ठीक है। तो लिपोप्रोटीनिया एक वर्ड है, टर्मोलॉजी है, कि जब अगर लिपिड में ज़्यादा बढ़ जाता है, लिपिड का पावर मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा तो ब्लड के अंदर भी इसका लेवल बढ़ जाता है। तो उससे पहले हमने बात की थी, दो ही कारण, दो कंडीशन है, या तो फैट का बहुत ज़्यादा लेवल कहाँ बढ़ता है, आपके लीवर में बढ़ रहा है, और या फिर ब्लड में बढ़ रहा है। ब्लड में तभी बढ़ेगा जब जब उस फैट का ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है डिफरेंट टाइप की सेल्स के अंदर, यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जब यूटिलाइजेशन नहीं हो पा या मेटाबॉलिज्म पर तरीके से नहीं हो पाएगा, तो लिपिड का लिपोप्रोटीनिया हो जाएगा, लिपोप्रोटीन का लेवल इन द ब्लड बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द इंटर सेलर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन। अब सेल के अंदर प्रोटीन का एक्यूमुलेशन कैसे होता है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। Accumulation of excessive amount of proteinaceous materials within the cells occur primarily in the epithelial cell of proximal convoluted tubules of the kidney or end in plasma cells. Mostly जो accumulation of proteins हो रही हैं, accumulation of excessive proteins जो होती हैं, proteinaceous material होता है, वो mostly epithelial cell of proximal convoluted tubules and nephrons की जो proximal tubules है उसकी एपिथेलियल सेल्स में ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मटेरियल्स स्टोर होता है या एक्युमुलेट होता है, या किडनी की नेफ्रॉन्स में किडनी की नेफ्रॉन्स के प्रॉक्सिमल ट्यूब में, या फिर प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है। अब क्या है आगे इसका, कि
या एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन इन किडनी प्रोड्यूस लीकेज ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम ग्लोमेरुलाई इन टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में या फिर आप ट्वेल्थ में पढ़ा होगा या इस बार पढ़ेंगे कि जो किडनी है नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के अंदर नेफ्रॉन्स में क्या है, ग्लोमेरुलर पार्ट होता है, ग्लोमेरुलर पार्ट होता है, ग्लोमेरुलर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। जब प्रोटीन जब एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन प्रोटीन इन किडनी, किडनी में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाता है तो उससे क्या होती है कि ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में प्रोटीन है तो प्रोड्यूस लीकेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ग्लोमेरुलाई इन टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है वो फिल्ट्रेट से ही पार हो जाता है, फिल्ट्रेट में निकल जाता है, फिल्ट्रेट में निकल जाएगा तो वो क्या नेफ्रल ट्यूबल्स में आसानी से पहुँच जाएगा। यानी ग्लोमेरुलस क्या है, एक फिल्टर पोर्शन है और फिल्टर पोर्शन से क्या प्रोटीन उस नेफ्रॉन्स के अंदर पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होगी तो वो कभी कभी क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्टर से भी ग्लोमेरुलर से पास हो जाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में पहुंच जाती है, यानी कि आपके नेफ्रॉन्स में पहुंच जाएगी। द मेन प्रोटीन इन्वॉल्व इन द एक्यूमुलेशन इज एल्बुमिन। एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है मोस्टली एक्यूमुलेट होती है, बट द अदर प्रोटीन सबस्टेंस सच एज हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन आर इनकाउंटर्ड। लेकिन मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होते हैं वो मोस्टली नहीं हो पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोटीन एक्यूमुलेट होती है वो कौन सी होती है, एल्बुमिन होती है। इन किडनी ट्रांस अमाउंट ऑफ एल्बुमिन फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड नॉर्मली रीअब्जर्व बाय द पिंडोसाइटोसिस इन ए प्रॉक्सिमल कम्युनिट्यूल्स। अगर नॉर्मली की बात करें एल्बुमिन अगर थोड़ा बहुत फिल्ट्रेट भी होता है तो उसे रीअब्जर्व कर लिया जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स, जो प्रॉक्सिमल ट्यूब का फर्स्ट पोर्शन होता है नेफ्रॉन्स का, वहाँ से आसानी से रीअब्जर्व कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बट वेन द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सेसिव। लेकिन रीअब्जॉर्प्शन पोर्शन जो है प्रोसेसिंग है वो एक्सेसिव हुआ है, ये प्रोटीन ज़्यादा फिल्ट्रेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वैन द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेसिंग इज एक्सेसिव देन द नॉर्मल रेट ड्यू टू द सर्वल डिसऑर्डर लाइक ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम पिनोसाइटिक वेसिकल कंटेनिंग प्रोटीन फ्यूज विद लाइसोम्स फॉर्मिंग ए सेकेंडरी फेगोलाइसोसोम्स। अब ये क्या होता है जब बैट वैन द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सेसिव, मतलब जो प्रोटीन हो रही है एल्बुमिन प्रोटीन जब ज़्यादा फिल्ट्रेट हो रही है और रीअब्जॉर्प्शन उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, तो क्या होगा देन द नॉर्मल रेट से ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा सेवरल डिसऑर्डर फॉर्म होते हैं, क्या होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पिनोसाइटिक वेसिकल्स कंटेनिंग प्रोटीन फ्यूज लाइसोम फॉर्मिंग ए सेकेंडरी फेगोलाइसोम्स हो जाता है, यानी कि यहाँ प्रोटीन का जमा हो जाता है पिनोसाइटोसिस वेसिकल्स के अंदर नेफ्रॉन्स की। अब जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फेगोलाइसोम्स बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो जो आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूबुल है उसमें हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस जैसे पिंक दिखने लगती है और हाइलिन साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट इन साइटोप्लाज्म लगती है, एक तरह से कह सकते हैं कि एड्रिनल ट्यूबुल सेल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें क्या होता है पिंकिश कलर या फिर हाइयर प्रोटीन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहाँ की सेल के अंदर इंजरी हो जाती है। ठीक है, हाइस्ट्रोल अपीयरेंस होती है पिंक हो जाती है, हाइलिन साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट जैसा इन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ द एड्रिनल ट्यूबुल अपीयरेंस में दिखने लगता है। ठीक है, यह हुआ प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन का मेन इफेक्ट किस में होता है किडनी की नेफ्रॉन्स में, नेफ्रॉन्स से किस पार्ट में प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स पार्ट में, क्योंकि प्रॉक्सिमल ट्यूबल पार्ट ही मोस्टली प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है, जब प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट हो रहा है नेफ्रॉन्स के अंदर तो रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा, रीअब्जॉर्प्शन जब बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर लाइक कंडीशन बन जाती है जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम पिनोसाइटिक वेसिकल्स कह सकते हैं, जिसमें क्या होती है कंटेनिंग जिसमें प्रोटीन होती है फ्यूज हो जाती है लाइसोसोम के साथ में और सेकेंडरी फेगोलाइसोसोम फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस जिसमें अपीयरेंस होती है वो पिंकिश हो जाती है, इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरसेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की, पहले हमने लिपिड की बात करी फिर हमने प्रोटीन की बात करी, अब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशंस इंटरसेलुलरली आर एसोसिएट विद एबनॉर्मलिटी इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ आइदर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन्स। जो कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोजन जो एक्यूमुलेट हो रहा है सेल के अंदर वो मेनली क्यों होता है,
क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तभी इनका स्टोरेशन या एक्यूमुलेशन। कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन की इंट्रासेलुलरी कब हो रहा है, जब मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मलिटी मेटाबॉलिज्म आ रही है किसके, ग्लूकोज की या फिर ग्लाइकोजन के। मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है या एबनॉर्मलिटी आ जाती है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में, तभी एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसको हम बात करें तो इसको डिवाइड करते हैं, दो टाइप में कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या है, ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज। दे डिफर मेनली इन देयर पैथोजेनिक मैकेनिज्म, पैथोजेनिक मैकेनिज्म होती है उसमें डिफरेंस होता है। तो पहले हम देखते हैं वन बाई वन ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेट क्या है और ग्लाइकोजन स्टोरेज क्या है। तो ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन क्या है, ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन मीन्स ए एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन डेट अकर ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड सर्कुलेशन। अगर ग्लाइकोजन का अमाउंट, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन डेट ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है, जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है ब्लड के अंदर उस कंडीशन में ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, एक तरह से डायरेक्टली कहूँ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, और हाइपरग्लाइसीमिया जैसे डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया जैसे क्या होती है कि ग्लाइकोजन इनफिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ गया, उस कंडीशन में बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब मैं बात करूँ ये कंडीशन, अगर बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो ग्लाइकोजन, पहले ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जाता है, और जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज हमारे ब्लड में कम हो गया होता है, फिर ग्लाइकोजन द्वारा कन्वर्ट किस में होता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज पहले ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ, स्टोर हो गया ग्लाइकोजन कहाँ पर, लीवर में। अब ब्लड में क्या, वो ग्लूकोज की कमी हो गई, हमने खाना नहीं खाया या एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। अब ग्लूकोज ब्लड में कम है तो उस कंडीशन क्या है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में द्वारा कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ग्लूकोज कंटिन्यू मेंटेन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट है, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं होगा। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ग्लाइकोजन क्या होगा, एक्यूमुलेशन होता रहेगा। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया इज यूजली इनकाउंटर्ड इन डायबिटिक मेलिटस, इट इज ड्यू टू इनसफिशियंट इंसुलिन कंसंट्रेशन और टिश्यू इनसेंसिटिविटी टू इंसुलिन। हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन क्यों होती है, वो डायबिटिक मेलिटस में हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें या तो इंसुलिन का अमाउंट होता है वो कम से कम, इनसफिशियंट इंसुलिन कंसंट्रेशन यानी इंसुलिन होती है वो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास से बहुत कम अमाउंट में रिलीज हो रहा होता है, या फिर इंसुलिन यहाँ पर जिस टिश्यू पे इफेक्ट करते हैं, जिस टिश्यू पे जाके एक्ट होते हैं जिससे कि उस वो टिश्यू ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कर पाए, उस पे उस इंसुलिन की इंटेंसिटी क्या होती, कम हो जाती है, यानी इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट रिलीज हो रहा है लेकिन उन टिश्यू पर अपनी तरह अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है, या उन्हें उस तरह से एक्टिव नहीं कर पा रहा है कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाए। जब टिश्यू को ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो ग्लूकोज का अमाउंट एंटीबायोटिक ब्लड में बढ़ जाएगा, या फिर इंसुलिन का रिलीज कम हो रहा है, इनसफिशियंट अमाउंट में इंसुलिन का कंसंट्रेशन है, तो इंसुलिन जब रिलीज कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ग्लूकोज उन सेल्स में उन टिश्यू में आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसुलिन की वजह से क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज है वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन जब इंसुलिन नहीं है या तो इंसुलिन की एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है तो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, या इंसुलिन का लेवल कम है तब भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, द टिश्यू यूजली इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन इंक्लूड द एपिथेलियल सेल ऑफ डिस्टल पोर्शन ऑफ प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूबल्स इन लूपोफेनल इन द किडनी। अब जो ग्लाइकोजन जब इन्फिल्ट्रेशन कंडीशन आती है इसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल ऑफ डिस्टल पोर्शन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूबल, जो हमने नेफ्रॉन्स की बात की थी वही बात है, और लूपोफेनल की जो किडनी है वहाँ पर जाकर ग्लाइकोजन ज़्यादा अमाउंट डिपोजिट होगा, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज कंटिन्यू निकलता रहता। अब ग्लूकोज जब यूरिन में कंटिन्यू बढ़ेगा, जब ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ा है तो ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन भी होगा,
ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन क्या होगा, उस वहाँ पर भी पहुँचेगा आपका किडनी में, फिल्ट्रेट होने पहुँचेगा किडनी में, यहाँ पर ही एक्टिवेट होना हो जाता है। इसके अलावा ल्यूकोसाइट विद इन्फ्लेमेटेड एंड नेक्रोटिक टिश्यू, ल्यूकोसाइट विद इन इन्फ्लामेटेड और नेक्रोटिक टिश्यू, और साथ में क्या होता है जो ल्यूकोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC हैं, इन्फ्लामेटेड नेक्रोटिक टिश्यू है, वहाँ भी जाके ग्लाइकोजन डिपोजिट हो जाता है, लिवर में डिपोजिट हो जाता है, और रेयर ऑकेजन कार्डियक मसल्स फाइबर, कार्डियक मसल पर कभी कभी जाकर कम हो जाता है। तो जहाँ भी ग्लाइकोजन ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट होगा यानी कि एक्यूमुलेट होगा, वहाँ पर आगे चल के क्या होगी, इंजरी जैसी कंडीशंस कॉज हो जाती हैं या सेल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज। ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेट समझ में आ गया क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो रहा है। अब ग्लाइकोजन स्टोरेज क्यों होगा, डिफेक्ट इन प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ब्रेकडाउन विद इन द मसल्स लिवर अदर सेल टाइप्स नॉन एज ए ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। अब क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन जो बना है उसकी सिंथेसिस में या उसके ब्रेकडाउन में कोई डिफेक्ट आ रहा है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज बोलते हैं। अब या फिर सिंथेसिस या ब्रेकडाउन इन मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर, अदर सेल टाइप्स, अदर टाइप की सेल्स के अंदर, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आगे देखते हैं। इट इज मेनली जेनेटिकल डिफेक्ट हो सकता है, एक्वायर डिफिशेंसी, यानी कोई एंजाइम्स है या जो एंजाइम्स हैं जो सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो या तो कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा होंगे तो क्या, ग्लाइकोजन ज़्यादा फॉर्म होगा, वो ज़्यादा बनता रहेगा, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा ग्लूकोज में क्योंकि वो एंजाइम कम हो गए जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दिस डिसीज में रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। अगर ऐसी डिसीज ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है या ग्लूकोज ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इस कंडीशन में वजह होती है चाइल्ड की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ग्लूकोज, जो हमने कार्बोहाइड्रेट एक्युमुलेशन की बात करी, तो पहला पॉइंट क्या था, ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन लीवर में बढ़ती चली जाती है और लीवर से होते हुए ये आपके नेफ्रॉन्स में भी इफेक्ट डालती है, ल्यूकोसाइट्स और नेक्रोटिक्स टिश्यू के साथ में इफेक्ट पड़ेगी और वहाँ वहाँ रिपोज हो जाती है, वहाँ वहाँ बाद में आके उन टिश्यू में प्रॉब्लम जनरेट होती है। दूसरा ग्लाइकोजन स्टोरेज था। ग्लाइकोजन स्टोरेज में क्या था कि ग्लाइकोजन का या सिंथेसिस या ब्रेकडाउन में क्या वो डिफेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन हो, लीवर के अंदर हो या अदर सेल्स के अंदर हो, उनके उनका ना सिंथेसिस हो पा रहा, उनका ब्रेकडाउन हो रहा, उनमें डिफेक्ट हो गया, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज बोलते हैं। और ये मेनली जेनेटिकली वो डिफेक्ट होता है क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं ब्रेकडाउन या सिंथेसिस में वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि चाइल्ड में प्रॉपर की ग्रोथ नहीं हो पाती। अब लास्ट जो पोर्शन है वो आपका क्या, एक्स्ट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम या कैल्सीफिकेशन। आप कैल्शियम का जब अभाव होता है उसे कैल्सीफिकेशन भी कह सकते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर एक्युमुलेशन और डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम इज आल्सो नोन एज कैल्सीफिकेशन। ठीक है, कैल्सीफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, आर्टरी, कार्टिलेज, ATC कैन कॉज बाय विटामिन के डिफिशियंसी और बाय पुअर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द हाई कैल्शियम विटामिन डी रेशियो। अब क्या है, कैल्शियम फिकेशन यानी कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, वो मोस्टली क्यों होता है, विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से होता है। विटामिन की डिफिशियंसी होगी तो जो कैल्शियम का यूटिलाइजेशन होता है को फैक्टर बनने में वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि कैल्शियम की एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अगर कैल्शियम हाई कैल्शियम विटामिन डी रेशियो हो जाएगा, मतलब विटामिन डी की वजह से क्या कैल्शियम का कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन हो रहा था, और विटामिन डी भी ज़्यादा है और कैल्शियम का रेशियो भी ज़्यादा है, तो कैल्शियम क्या ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और उस कंडीशन में क्या होता है, वही कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यू में जाके, आर्टरी, कार्टिलेज में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और कैल्सीफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू हो जाती है। तो दो कारण हो गए, पहला क्या हुआ विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से, और दूसरा क्या हुआ द रेशियो ऑफ कैल्शियम विटामिन डी का रेशियो बढ़ गया, यानी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाने के कारण और विटामिन की डिफिशियंसी करने का क्या होता है कैल्सीफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू हो जाता है। दे आर मोस्टली टू टाइप ऑफ कैल्सीफिकेशन होती है, पहला क्या है डायट्रॉफिक कैल्सीफिकेशन और दूसरा क्या है आपका मेटास्टैटिक कैल्सीफिकेशन एंड फर्स्ट इज द डायस्ट्रॉफिक कैल्सीफिकेशन।
तो पहले बात करते हैं हम किसकी, डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की। डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन रिफर्स टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन डेड और डाइंग टिश्यू। तो डायट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम जो साल्ट है, कैल्शियम जो आइंस हैं, वो आपकी या तो डेड या डाइंग टिश्यू, जो टिश्यू डाइंग हो चुके हैं या डेड सेल्स हैं, वो डेड सेल डाइंग मरने वाले हैं, डेड हो चुके हैं, उन टिश्यू पे जाकर डिपोजिट होता है। इट इज मोस्टली सीन इन द नेक्रोटिक एरिया एंड प्रोड्यूस एथ्रिनोमा। नेक्रोटिक एरिया में नेक्रोसिस जहाँ रहोगे वो क्या है, नेक्रोटिक एरिया हो गया, और वहाँ पर जाकर यह ज़्यादा दिखता है। और नेक्रोटिक एरिया डिपोजिट होने से क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एथ्रोमास क्या होता है कि एथ्रोफ्लोरोसिस, जो बड़ा आपने सुना होगा, जो मैंने आपको बताया भी था। एथ्रोफ्लोरोसिस क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर कोई प्लाक जम जाना, जिससे ब्लड प्रॉपर तरीके से उस ब्लड वेसल्स में पास नहीं हो पा रहा है, कोई ब्लॉकेज जम हो गया, मतलब एक प्लाक जम गया, जिससे क्या है कि उस नली में ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो एथ्रोमा में क्या होता है कि जो कैल्शियम है उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स है या आर्टरी या वेन्स है, आर्टरी की बात करें तो उसके अंदर कहीं कैल्शियम क्या है, बहुत अमाउंट में कहीं पर जमा हो गया है। कहीं पर जमा होने की वजह से क्या हो गया, उसका डायमीटर कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड वेसल्स में प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। और कैल्शियम की वजह से जो डिपोजिट हो जाता है और उसका डायमीटर कम हो जाता है, उसे बोलते हैं एथेरोमास। ठीक है, इट आल्सो अफेक्ट द हार्ट और आर्टरी वॉल्स बाय प्रोड्यूसिंग ए सिस्टिनोसिस। अब कैल्शियम जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आर्टरी के अंदर, आर्टरी की जो वाल्व्स हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। कॉन्ट्रेक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि डायमीटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, रिलैक्स नहीं जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गई, आर्टरी हो गई, डायमीटर कम हो जाता है, इसके वजह से क्या होता है, ब्लड वहाँ से कम पास हो पाता है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। स्टेनोसिस मतलब क्या, डायमीटर रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल इज द स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्यों हो रही है, क्योंकि कैल्शियम के लेवल बढ़ने के कारण क्या, और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्या है लास्ट वन, इज द मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। द डिपोजिट ऑफ कैल्शियम साल्ट इन द नॉर्मल टिश्यू नॉन एज मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। नेक्रोटिक टिश्यू की बात नहीं हो रही है, डेड टिश्यू की बात नहीं हो रही, डेड सेल की बात नहीं हो रही है, ओनली नॉर्मल सेल्स पे अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है उसे बोलते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कैन अकर बैडली थ्रू आउट द बॉडी बट प्रिंसिपली अफेक्ट द इंटरस्टेटियल टिश्यू ऑफ वास्कुलेचर, किडनी, लंग्स एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा। मोस्टली जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होता है वो मोस्टली अफेक्ट करती है इंटरस्टेटियल टिश्यू ऑफ वास्कुलेचर। इंटरस्टेटियल टिश्यू ऑफ वास्कुलेचर का मतलब है जितनी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी है, वेन्स हैं, जहाँ ब्लड का फ्लो हो रहा है, उसकी इंटरस्टेटियल टिश्यू, उसकी जस्ट एपिथेलियल की जस्ट बीच वाला टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू हैं उन पर अफेक्ट करते हैं, उन पर कैल्शियम डिपोज ज़्यादा हो जाता है। किडनी में ज़्यादा वो कैल्शियम डिपोज हो सकता है, लंग्स में गैस्ट्रिक म्यूकोसा की लेयर है उन पर ज़्यादा डिपोज हो जाता है और डायरेक्टली उसे अफेक्ट करते हैं। द यूजल कॉज ऑफ द हाइपर कैल्सीमिया इंक्लूड, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन क्यों बनती है, या तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो, पैराथायरॉइडिज्म डिसऑर्डर है जिसमें पैराथायरॉइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है, या विटामिन डी इंटॉक्सिडेशन हो रहा है। विटामिन डी क्या है, बहुत ज़्यादा विटामिन डी बढ़ गया है, जिसकी वजह से विटामिन डी की इंटॉक्सिटी हो गई है, जिसकी विटामिन डी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उस कंडीशन हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम डिफिशियंसी में, या हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैग्नीशियम मतलब जैसे मतलब कैल्शियम के अमाउंट कंटिन्यू क्या है किसी सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसे बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सभी हो गए आपके कारण ऑफ द हाइपरकैल्सीमिया। एंड सम बेसिक सिम्टम्स कैल्सिफिकेशन के होते हैं, जैसे किडनी स्टोन अगर बन रही है तो उसका मतलब क्या, ब्लड में कैल्शियम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपर कैल्शियम कंडीशन है। गाल स्टोन हो रहे हैं तब भी हाइपर कैल्शियम कंडीशन है। ओवर ग्रोथ ऑफ द टीथ हो रहे हैं तो भी हाइपर कैल्शियम है। और आर्थराइटिक बोन ऑफ स्पोर्ट्स, ये सब क्या सिम्टम, आर्थराइटिक बोन स्पोर मतलब क्या है, जहाँ पर बोन्स के जॉइंट है वहाँ पर बोन्स का ओवर ग्रोथिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, पेन जनरेट हो रहा है, ओवर ग्रोथ ऑफ बोन की वजह से उसे बोलते हैं आर्थराइटिक बोन स्पोर्स। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ एक्युमुलेशन ऑफ सेल्स, इंटरसेलुलर एक्युमुलेशन। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कलिंग के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है।
है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।